हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएस एजुकेशन। एक खुशखबरी है आपके लिए, हम सबके लिए। ये जो इंडियन एयर स्ट्राइक हुई है, ठीक है, उसके बारे में मैंने वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि ये जो वीडियो है ये आपका जीके से संबंधित नहीं है, बट एक न्यूज है, एक छोटी सी न्यूज है जो आपका, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे जो इतना ग्रीन कलर का जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो यहाँ पर इंडिया ने अपना एयर स्ट्राइक किया है आज रात को 3:30 बजे, ठीक है। तो ये एक न्यूज है कि भारत अब शांत नहीं बैठने वाला है, ठीक है। एक सब्र की सीमा होती है, ठीक है। तो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर ये आपने ई बुक नहीं ली है अभी तक, तो इसको आप ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का पूरा करंट अफेयर जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा 2018 का। तो ये पाकिस्तान का जो बालाकोट है, यहाँ पे देख सकते हैं, पाकिस्तान का नहीं, ये पीओके का, यानी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसका ये जो बालाकोट है, यहाँ के आसपास, ठीक है, ये पूरा हमारा जो 12 करीब मिराज विमान है, ठीक है, मिराज 200, उन विमानों ने वहाँ पर जाके एक एयर स्ट्राइक की है। यानी पाकिस्तान को उसको जवाब दिया है। आज से कुछ दिनों पहले जो अटैक हुआ था उसका जवाब अब भारत ने उसको दिया है। हालांकि इस जैसा कि बताया जा रहा है, न्यूज़ में बताया जा रहा है, अगर आपने अभी नहीं देखा है तो जरूर न्यूज़ खोल के न्यूज़ देखें आप। और एक जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था पाकिस्तान को। आपकी क्या राय है, क्या पाकिस्तान को जवाब दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए था? युद्ध एक विकल्प है या नहीं? आप अपनी राय जरूर मुझे इस वीडियो में दें। मोदी के बारे में आपकी क्या सोच है, मोदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर मुझे आप इसमें वीडियो में बताएं। तो ये आपका मिराज 200 विमान है जिससे अटैक रात को 3:30 बजे किया गया है। ये आप रिसेंट करंट की जो मतलब आज रात की जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं। पूरा एक रिकॉर्डिंग होता है, जैसा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसमें कहा जा रहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं है, बाद में फिर उसका एक वीडियो भी आया था। एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी जब भी मिशन होता है तो उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर की जाती है, वो चाहे ड्रोन के थ्रू या इन विमान के अंदर जो कैमरे लगे हैं उनके उनके साथ हो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जरूर होती है। गवर्नमेंट को ये रहता है कि उसको डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना है, ये गवर्नमेंट का डिसीजन होता है। जैसे एयर स्ट्राइक का सबसे पहले केवल हुआ था कि हाँ भैया एयर स्ट्राइक हुई है, लेकिन उसका कोई भी वीडियो क्लिपिंग ऐसी सामने नहीं आई थी, लेकिन बाद में फिर उसकी एक वीडियो क्लिपिंग भी सामने आ गई थी। ठीक है गाइस, तो ये था, आप अपनी राय जरूर दें मुझे इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।